कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नतीजों से साफ हो गया है कि भाजपा दक्षिण भारत के अपने इकलौता किला कर्नाटक में सत्ता से बाहर हो गई है। भाजपा की हार का जो एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है वो है भाजपा की बीएस येदियुरप्पा पर निर्भरता। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में भाजपा को बीएस येदियुरप्पा का मोह ले डूबा। जिस जोर शोर से भाजपा ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन किया और फिर वापस भाजपा का येदियुरप्पा की शरण में गई, वहीं कहीं ना कहीं मतदाताओं को पसंद नहीं आया। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में काफी विवाद हुआ। इसके चलते पार्टी के कई बड़े नेता, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे लोग भाजपा छोड़ गए। 2023 के चुनाव प्रचार में भाजपा का फोकस जहां लिंगायन और बजरंग दल और बजरंग बली जैसे मुद्दों पर ही रहा, तो वहीं कांग्रेस ने विकास के मुद्दे, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर ज्यादा फोकस किया। बहरहाल कर्नाटक की जीत से जहां कांग्रेस को संजीवनी मिली है और वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी, जैसा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा। मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है।